जब से आईफोन 14 का प्राइस ड्रॉप हुआ है, काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि आईफोन 13 को स्किप करके आईफोन 14 को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज आती है प्राइस गैप, जो कि काफी कम हो चुका है। सो अगर हम बात करें आईफोन 13 एंड 14 की, यहाँ पे लगभग 5-6 हजार रुपए का डिफरेंस, वहीं आईफोन 13 एंड आईफोन 14 प्लस में लगभग 10-12 हजार रुपए का डिफरेंस। सो अगर आपको भी इन आईफोन्स में कंफ्यूजन है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो डायरेक्टली बात करते हैं उन डिफरेंसेस की जो कि आईफोन 14 सीरीज में डे टू डे लाइफ में दिखेंगे एंड मैटर करेंगे, एंड साइड बाय साइड दोनों फोन्स को यूज करने के बाद जो डिफरेंसेस मैंने फील करे हैं। सबसे पहली चीज, बेटर मल्टीटास्किंग ड्यू टू 6GB रैम। सो जो लोग एकदम ही हार्डकोर यूजर हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। आईफोन 11, 12 एंड आईफोन 13 में आपको काइंड ऑफ सिमिलर रैम मैनेजमेंट मिलता है, बट आईफोन 14 में काफी इंप्रूव्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज सेल्फी कैमरा। इसमें आपको मिलता है ऑटो फोकस, इन्हें कहीं ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। इसी के साथ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 4K सिनेमैटिक वीडियो एंड एक्शन मोड, जो कि अगेन एडिशनल फीचर्स हैं एंड डेफिनेटली यूजफुल हैं। वहीं सेफ्टी के लिए क्रैश डिटेक्शन एंड एमरजेंसी SOS वायर सैटेलाइट, एंड इसी के साथ कुछ और डिफरेंसेस भी मिलते हैं, बट गाइस डे टू डे लाइफ में आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं होंगे। लाइक बेटर GPU परफॉर्मेंस ड्यू टू एक्स्ट्रा GPU कोर, प्राइमरी एंड अल्ट्रावाइड कैमरा में बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, जो कि काफी ध्यान से देखने के बाद ही नोटिस होंगी। इसी के साथ स्लाइटली बेटर स्पीकर्स। सो अब बेसिकली आता है मेन क्वेश्चन, क्या आईफोन 13 को स्किप करके आईफोन 14 को लेना चाहिए। सो यहाँ पे क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ दैट जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपके लिए वो मैटर करती हैं, सो उस केस में डेफिनेटली आईफोन 14 लेना वर्थ इट है ओवर आईफोन 13। बट वहीं अगर आपको उन चीजों का यूज नहीं करना है, सो रेदर आई वुड से आपको 5-6 हजार रुपए सेव करके आईफोन 13 को ही लेना चाहिए, एंड आप इतने पैसे में थोड़ी और एडिशनल एक्सेसरीज ले सकते हो इफ आईफोन 13 का 256GB वेरियंट। एज अगर आप काफी ज्यादा वीडियो शूट करते हो एंड वीडियो स्टोर करते हो, सो उस केस में 256GB वेरियंट काफी हेल्पफुल रहेगा। बट वहीं आईफोन 14 प्लस एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आईफोन 14 सीरीज के अपग्रेड्स तो आपको मिलते ही हैं, इसी के साथ मिलती है बिगर डिस्प्ले एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटरी लाइफ। लाइक इस फोन की बैटरी लाइफ आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा है, सो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। एंड नॉर्मल यूजेज में फोन आराम से 2 दिन चल जाता है, एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा बेटर वीडियो वॉचिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड लॉन्ग टर्म में फोन हीट भी कम होगा ड्यू टू बिगर बॉडी, सो एक्स्ट्रा 10-12 हजार रुपए स्पेंड करके ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, आई होप अब आपकी कंफ्यूजन एंड डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।